नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आई हूँ उसका पार्ट थर्ड है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का विस्तार। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा की थी और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान स्थित है। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। 69 डिग्री 12 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर राजस्थान की स्थिति है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज मैं आपको बता रही हूँ राजस्थान का विस्तार। राजस्थान के विस्तार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या आता है? राजस्थान का क्षेत्रफल आता है और राजस्थान का क्षेत्रफल है 342,239। 342,239 जो है वो क्या है? क्षेत्रफल है। किसका है? राजस्थान का। और अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 132,139 मिलीमीटर जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग आता है। 10.41% भाग राजस्थान का है भारत में। और 2000 के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहली बात, राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 किलोमीटर है। दूसरी बात, 2000 में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर आ चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो वो ये है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% जो हिस्सा है वो किसका है? वो राजस्थान का हिस्सा माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि राजस्थान की, तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर माना जाता है। अब बात करते हैं विश्व दृष्टिकोण से, तो राजस्थान जो है विश्व के 0.25% भाग पर फैला हुआ है। 0.25% भाग पर फैला हुआ है। और राजस्थान में जो आपके जिले हैं उसमें सबसे बड़ा जिला माना जाता है विद्यार्थियों जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना जाता है। जैसलमेर के बाद में आता है बीकानेर। बीकानेर के बाद आता है आपका बाड़मेर। और चौथे नंबर पे आता है आपका क्या? जोधपुर। ये चार जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े माने जाते हैं। कौन कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। दूसरे नंबर पे आता है बीकानेर। तीसरे नंबर पे बाड़मेर। और चौथे नंबर पे जोधपुर आता है। और अगर हम राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें विद्यार्थियों, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 11.22% भाग पर फैला हुआ है। कौन? जैसलमेर फैला हुआ है विद्यार्थियों। तो सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? जैसलमेर। अब बात करते हैं किसकी? सबसे कम की। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान के जितने भी जिले हैं उसमें आपका आता है धौलपुर। कौन सा आता है? धौलपुर। यहां आपके आता है दौसा। धौलपुर आ गया, दौसा आ गया। जो राजस्थान का जो सबसे
छोटा जिला माना जाता है वो है आपका धौलपुर। धौलपुर के बाद आता है आपका दौसा। दौसा के बाद आपके दो जिले और आते हैं, तीसरा है आपका डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर है। और चौथा आपका आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 किलोमीटर है। राजस्थान 2000 के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, दूसरे नंबर पर बीकानेर है, तीसरे नंबर पर बाड़मेर है और चौथे नंबर पे आता है आपका जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले माने जाते हैं, ठीक है। इधर आपका धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका दौसा, तीसरे नंबर पर आता है प्रतापगढ़ और चौथे नंबर पे आता है आपका डूंगरपुर। ये चार जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले माने जाते हैं और ये चार जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले माने जाते हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा जो सबसे छोटा जिला है आपका धौलपुर, ये है केवल 3034 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये तो हुई विद्यार्थियों क्षेत्रफल की बात, ठीक है। अगर हम विश्व दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति को देखें विद्यार्थियों, तो राजस्थान की आकृति की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? राजस्थान की आकृति की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति है। किसकी आकृति है? राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज मानी जाती है, जिसे हम पतंगाकार की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकता है विद्यार्थियों कि राजस्थान की आकृति क्या है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, पतंगाकार की आकृति लिए हुए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की विस्तार की। अगर हम चर्चा करी है तो राजस्थान की हम सीमा की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? सीमा की चर्चा करते हैं। सीमा से पहले आपको विश्व दृष्टिकोण को देखना जरूरी है। देखो विद्यार्थियों, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है, जर्मनी और जापान के बराबर है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जर्मनी और जापान, जो कि यूरोपियन राष्ट्र है, इन देशों की सीमा के बराबर हमारे राजस्थान की लंबाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटेन की जो लंबाई है, ब्रिटेन जितने दायरे में फैला हुआ है उसके दो गुने क्षेत्र पर राजस्थान फैला हुआ है। तो ब्रिटेन से हम कितने गुना है? दो गुना है। इसके अलावा भारत के नीचे जो आपका श्रीलंका आता है, श्रीलंका से हम 5 गुना ज्यादा राजस्थान की सीमा है और इजराइल से हम 17 गुना ज्यादा सीमा है राजस्थान की। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जर्मनी और जापान के बराबर है, श्रीलंका के 5 गुना है, ब्रिटेन का 2 गुना है और इजराइल का 17 गुना है। कौन? राजस्थान की सीमा। ये हमने देखा राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान मानी जाती है। अब बात करते हैं हम सीमा की। सीमा दो तरह की होती है विद्यार्थियों। पहली है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी आती है आपकी अंतर राज्य सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है विद्यार्थियों?
1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है अंतर राज्यीय सीमा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, राजस्थान के साथ एक देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उस देश का नाम है विद्यार्थियों पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। और राजस्थान को 5 राज्यों की सीमा छूती है। पहला है आपका पंजाब, दूसरा है आपका हरियाणा, तीसरा है आपका एमपी, चौथा है आपका क्या, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी और पांचवा है आपका गुजरात। इन 5 राज्यों की सीमा राजस्थान की सीमा को चूती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की सीमा राजस्थान को चूती है। पहला यहां पर आएगा आपका पंजाब, दूसरा आएगा आपका यहां पर हरियाणा, क्या आएगा? हरियाणा। और यहां पर आएगा आपका यूपी, ये पूरी सीमा है आपकी एमपी, और इस तरफ आएगा आपका गुजरात। तो ये 5 राज्यों की सीमा राजस्थान को छूती है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा एमपी और पांचवा गुजरात। ये 5 राज्यों की सीमा जो कि 4850 किलोमीटर की लंबाई बनाती है और अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है 1070 किलोमीटर। तो कितनी हो गई? 5920। राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई है 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ है और 4850 जो है 5 राज्यों की सीमा को छूती है। ये हमने इस वीडियो में देखा। आगे देखिए विद्यार्थियों, आपको रीट एग्जाम और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में राजस्थान ज्योग्राफी को जो मैप सहित मैं आपको बता रही हूँ, ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है। आप मेरे नवभारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि मैं इसी तरह से आपको जो ये टॉपिक्स हैं इन सबको क्लियर करवा सकूं विद्यार्थियों। तो क्या देखा आपने? अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के 2 जो जिले हैं, पहला है आपका पंजाब और दूसरा है सिंध। इन 2 प्रांतों की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। और राजस्थान के 4 जिलों की सीमा पाकिस्तान को छूती है, वो कौन कौन से हैं? पहला है विद्यार्थियों गंगानगर। क्या है? पहला क्या है? गंगानगर। गंगानगर की सीमा छूती है। दूसरा यहां आएगा बीकानेर। क्या आएगा? बीकानेर, ठीक है। और तीसरा जो आपका आएगा वो क्या आएगा? 210, 168, 464 और लास्ट में जो है आपका 200, ये आ गया आपका जैसलमेर और लास्ट आएगा आपका बाड़मेर। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान को छूती है। पहला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है बाड़मेर। और पाकिस्तान के 2 जिलों की सीमा पंजाब और सिंध प्रांत। पंजाब के 3 हैं, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार। ये 3 जिलों की सीमा पाकिस्तान के जो जिले हैं इनकी सीमा राजस्थान के इन 4 जिलों को छूती है। सिंध के ये 6 हैं जिले जिनकी सीमा राजस्थान को छूती है। पहला है गोटक्की, दूसरा है सुक्कर, तीसरा है संदर, चौथा है जेतपुर, पांचवा है अमरकोट और छठा है थारपारकर। तो सिंध प्रांत के जो ये 6 जिले हैं, पहला गोटक्की, दूसरा सुक्कर, तीसरा
संघर, चौथा जयपुर, पांचवा अमरपुर, छठा थारपारकर। तो ये जो छह जिले हैं इनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और राजस्थान के चार जिलों की सीमा पाकिस्तान के इन दो प्रांत और इन जिलों के साथ लगती है। राजस्थान का पहला जिला है गंगानगर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है आपका क्या है, बाड़मेर है। क्या है? बाड़मेर है। अब ध्यान जो रखने वाली बात है वो है सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ी जो सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है आपका जैसलमेर और सबसे कम सीमा बनाने वाला है आपका बीकानेर। सबसे कम सीमा बनाता है और सबसे पास में जो जिला मुख्यालय है वो है गंगानगर का जिला मुख्यालय। पाकिस्तान सीमा के सबसे पास में आता है गंगानगर मुख्यालय। कौन सा आता है? गंगानगर मुख्यालय आता है और सबसे दूर पर जो आता है वो आता है आपका बीकानेर जिला। सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो बीकानेर है, सबसे पास में जिला मुख्यालय गंगानगर है, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर है और सबसे कम सीमा बनाने वाला बीकानेर है। इनकी सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखनी है, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, इस तरीके से आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है। कई बार सबसे कम और कई बार सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाले जिले भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के कितने जिले हैं, कितने प्रांत है? दो है, सिंध और आपका है पंजाब। राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के चार जिले हैं, पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ये चार जिलों की सीमा पाकिस्तान को छूती है। ये हमने आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा का डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। तो आज आपने जो टॉपिक पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए। पहला तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के किन जिलों की सीमा, किन जिलों की सीमा सीमा पाकिस्तान को छूती है। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दूसरा, सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो ज्यादा पूछा है यहाँ पर आपसे कम भी पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ लाइन जो खींची गई, जो कि 1947 में भारत व पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी और इसी रेड क्लिफ लाइन के अकॉर्डिंग राजस्थान की सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कितने जिलों की सीमा छूती है, किन किन जिलों की सीमा छूती है ये याद रखना है। पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत है ध्यान रखना है, सिंध और पंजाब। अब आपसे पूछा जा सकता है पंजाब प्रांत के कौन से हैं? बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में चर्चा करेंगे और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे नवभारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए ताकि आगे के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। विद्यार्थियों,
धन्यवाद।